नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक और कहानी के बारे में जिसका नाम है गिला। यह है मुंशी प्रेमचंद की एक विशेष प्रयोगधर्मी कहानी है जिसमें न घटनाएं हैं और न ही कोई निश्चित कथाक्रम। इसमें चेतना प्रवाह शैली के माध्यम से एक पत्नी के मन में उठने वाले भावों तथा विचारों का लंबा प्रवाह मात्र है। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों और गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो अपने परिवार के लिए मरता है उसे संसार स्वार्थी, संकीर्ण हृदय वाला, आचार भ्रष्ट कहते हैं। इनसे कोई चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान जाएंगे जहाँ ना चीज़ अच्छी मिलती है, ना सही तौल होता है और ना ही उचित दाम पर मिलता है। ऐसी दुकानों में जाएंगे जो सबसे बदनाम है। गेहूँ लाएंगे तो सड़ा हुआ, खराब, जिसे बैल भी ना पूछे। शुद्ध आंवले के तेल के दाम में लाएंगे मिलावट वाला तेल। नामी दुकान पर जाने में जैसे इन्हें डर लगता है। रोज़ रोज़ का टंटा। आखिर ऐसी दुकान पर क्यों जाना? सबके पालन पोषण का ठीका तुम्ही ने लिया है क्या? ये कहते हैं मुझे देखकर सब बुलाते हैं। वाह, दो शब्द खुशामद के सुन के ये आसमान पर पहुंच जाते हैं। फिर कोई ध्यान नहीं कि कोई इन्हें कूड़ा करकट भी दे रहा हो। एक बार गहने बनवाने को दिया तो ये बोले कि मेरे बचपन का मित्र है, उस पर भरोसा कर सकते हैं। अब मैंने इन्हें 100 रुपये दिए और सोने का आभूषण भी। बरसों के बाद जब चीज़ बनकर आई तो 8 आने का तांबा मिला। ऐसे वफादार मित्र हैं इनके। हर दिन कोई उधार मांगने आता, कई बार धोखा खा लिया, फिर भी नहीं सीखते। बेचारे कैसे इनकार करें? लोग जान जाएंगे यह महाशय भी खुक्कल हैं। कभी कभी तो 1 पैसे की भी घर में तंगी हो जाती है। ऐसे इनके मित्र हैं, कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है, ओढ़ना बिछौना भी पूरा नहीं होता। एक भी ऐसा दोस्त नहीं जो मदद कर दे। इनकी सब दरिद्रों से पटती है, एक भी लक्ष्मी पुत्र नहीं जिनसे इनका परिचय हो। एक बार हमारा नौकर चला गया तो हमें दूसरे की तलाश थी, पर ये पता नहीं किस बांगड़ू को ले आए। आदमी के लक्षण उसमें थे नहीं। बेमान न था पर गधा अव्वल दर्जे का था। दुकानदारों से लुट जाता था, 10 तक गिनती न आती। 1 रुपये का हिसाब देकर भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध आता, खून खौलता कि इस दुष्ट के कान उखाड़ लूं, पर महाशय तो कुछ बोलते ही नहीं। इसे झाड़ू लगाना भी ना आता। मैंने एक दिन डांटा और कहा कि सही से झाड़ू न लगाया तो घर से निकाल दूंगी। एक दिन उठी तो कमरा एकदम साफ। पतिदेव कहते हैं कि वाह देखो इसने आज कितना साफ कर दिया है। अब एक दिन जब मैं जल्दी उठी तो देखा कि मेरे पति झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू छीन कर घूरे के सिर पर जमा दी। उसे उसी दिन घर से बाहर निकाल दिया। मैंने 1 कौड़ी भी उसे न दी। जो कुर्ता दिया था वह भी छीन लिया। इस पर भरत महाशय मुझसे कुछ दिन रूठे रहे। अगर मैं न होती तो किसी ने अब तक इन्हें बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर पुराने कपड़े मांगने आया, घर में थे नहीं। मैंने कपड़े के लिए मना कर दिया पर इन्होंने अपना कोट दे दिया और खुद सर्दी में ठिठुरते रहे। अब इनका प्रातःकाल घूमना भी बंद हो गया। फटे कपड़े ये पहन लेते थे जिससे मुझे तो बहुत लाज आती। मुझसे देखा ना गया तो इनके लिए कोट बनवा दिया, कहीं बीमार ना पड़ जाएं, आखिर काम तो इन्हीं को करना है। महाशय सोचते मैं कितना परोपकारी हूँ। जिस मेहतर को इन्होंने कपड़े दिए उसे मैंने शराब के नशे में झूमते हुए देखा
और इन्हें भी दिखाया। अगर आप इतने उदार हैं तो घर वालों के प्रति भी तो उदारता होती। मेरे लिए कोई उपहार न लाते, मैं कुछ मंगवाऊं तो ला देंगे, पर शर्त यह है कि पैसे मुझे देने होंगे। बच्चों के लिए भी कभी मिठाई खिलौने न लाते। जिस दफ्तर में ये नौकर हैं वहाँ किसी अधिकारी से इनका मेलजोल नहीं। इसके कारण औरों को छुट्टियाँ मिल जाती हैं और तरक्की हो जाती है, जबकि इनका वेतन कटता है और इनको कोई पूछता भी नहीं। जी तोड़ काम करते हैं, कठिन काम इनके सिर पर मढ़ा जाता है, पर इन्हें कोई आपत्ति नहीं। ऑफिस में इन्हें घिसू पिस्सू उपाधियाँ मिली हैं। जिस ऑफिस में काम किया निकाले गए, 2-3 साल से ज़्यादा कहीं न टिकते, अफसर से लड़ जाते या ज़्यादा कार्य के कारण छोड़ देते। इनके भाई भतीजे इनकी बात भी नहीं पूछते। इनके एक भाई साहब तहसीलदार हैं मगर यहाँ पत्र नहीं भेजते। रुपए की तंगी पर मैंने इन्हें उनसे बात करने को कहा। पहले तो इन्होंने कहा कि उनके भी खर्च हैं, पर मेरे बार बार कहने पर इन्होंने पत्र लिखा। पता नहीं ऐसा क्या लिखा कि हफ्ते तक कोई जवाब ही ना आया। अब ये प्रसन्नचित्त नजर आने लगे, बाहर से आते खुश खुश, मेरी खुशामद हो रही थी, मैके वालों की प्रशंसा भी होने लगी। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी। यह सब इसलिए हो रहा था कि मैं इनके भाई के विषय में कुछ ना पूछूं। 2 हफ्ते बीते, मैंने पूछा पत्र का क्या हुआ, जायदाद में हमारा भी तो हिस्सा है। ये हैं हाँ करने लगे, कहने लगे वह घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत करते हैं, नातेदारियों में भेंट भेजते हैं, कहाँ से लाएंगे जो हमारे पास भेजें, इतने बहाने बनाते हैं। इस चक्कर में मुझे पड़ोस से कर्जा लेना पड़ा। ईश्वर की दया से 2 बच्चे और 2 बच्चियां हैं, सब उद्यमी हो गए। रात 8 बजे युवराज घूमकर ही नहीं आए। मैं घबराती, ये अखबार पढ़ते। मेरे दोबारा कहने पर क्रोध से कहते, यह लड़का शैतान हो गया है, इसकी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। ये उसे ढूंढने निकले और वह घर आ गया। मैंने कहा, आज तो तेरी मरम्मत होगी। अब महाशय 2-2.5 घंटे बाद घर वापस लौटे और कहा, मन्नू यहाँ आओ। बच्चियाँ डर गईं और छिप गईं। ये क्रोध से बौखलाए, हाथ में छड़ी। अब मैं पछताने लगी कि शिकायत क्यों की, मगर छड़ी जमाने की जगह ये बनावटी क्रोध से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, कहाँ गए थे, मानते नहीं, खबरदार जो कभी इतनी देर हुई। अब इनका क्रोध शांत, जैसे गरजता बादल, गड़गड़ाहट और 4 बूंदे। मैंने कहा, 2-4 तमाचे तो लगा देते तो कहते हैं देखा मैंने कितनी जोर से डांटा। इनका सिद्धांत दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। इसी का फल है कि अब लड़के बेनकेल के ऊंट बने हुए हैं। कभी गुल्ली डंडा खेलते हैं, कभी गोलियां, पर किताब ना खोलते। लड़कों के साथ बैठकर ये ताश खेलते हैं, ऐसे बाप से कौन डरेगा। मेरे पिताजी के सामने तो भाई सीधे ताक तक नहीं सकते थे, उसी कारण आज सब अच्छे अच्छे पदों पर हैं। अब मैंने इन्हें कहा, बच्चों को मत बिगाड़िए, मैं चाहती हूँ कि एक बार ये गरम पड़े तो मैं भी अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिछले साल कन्या का विवाह था, इनकी जिद थी कि दहेज न देंगे। पूरा साल गुजर गया, कन्या को अब 17वां लग गया था, तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। इन्होंने स्वीकार किया क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन की कोई बात न की, क्योंकि उन्हें लगा कुछ न कुछ रकम तो देंगे ही। खैर इन्होंने कहा, यह प्रथा रस्म सब निरर्थक है, तुमने मेरे मुंह पर कालिक लगा दी, आबरू मिटा दी। अब प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, लेकिन इन्होंने न माना। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते तो कन्या पक्ष वाले क्यों रखें। खैर परिवार में सबने व्रत रखा, पर ये खाने लगे। अब कन्यादान का मुहूर्त आया तो बोले, कन्या क्या कोई दान की वस्तु है।
सब इन्हें समझाते हैं पर ये ना मानते। पर ये मंडप में आए ही नहीं और मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, झक मारकर मुझे को मानना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग सह नहीं सकती। सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ खुद भी नहीं जानती। यदि विधाता इनके बदले मुझे बुद्धि, विद्या, धन का देवता भी दे तो भी मैं उसकी ओर मुंह उठा के ना देखूं। प्रथागत पतिव्रत भी नहीं। प्रकृति में कुछ क्षमताएं, व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिस कर फिट हो गए हों और एक की जगह दूसरा पुर्जा काम न कर सके। चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया व सुदृढ़ क्यों न हो, शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगी। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।